हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, और अभी भी मेरा खाना नहीं बना है। एक्चुअली अभी मैंने आज बहुत लेट नहाया और हेयर वॉश किया है, तो इसी के चक्कर में मेरा खाना नहीं बना है। घर के काम और ये वो बहुत ज़्यादा, मतलब आज बहुत लेट लेट हो रहा है सारा। तो कोई बात नहीं, अभी खाना बना लेती हूँ। अद्विक की तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है कि वो पास पास रह रहा है मेरे, तो इस वजह से मेरे काम भी नहीं हो रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से करती हूँ। आज तो थोड़े से काम लेट लेट ही हो रहे हैं। और हाँ, ये जो कपड़े हैं वो कल के धोए हुए हैं। कल ना बिल्कुल धूप नहीं थी, इसी वजह से कल कपड़े सूखे ही नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही रहने देते। और थोड़े से लेट भी धोए थे मैंने, तो इसी वजह से वो कपड़े ऐसे ही थे, निकाले ही नहीं थे। तो आज थोड़ी सी धूप आ गई थी, तो सुबह सुबह अभी कपड़े निकाल रही हूँ। और आज के कपड़े जो है वो धोने के बाकी है। और ये यहाँ पर मेरी बेडशीट मैंने चेंज ही नहीं की थी। एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि जो बेडशीट है, मुझे आलस आ रहा है चेंज करने का, मतलब मैंने दूसरी बिछाई ही नहीं थी। और फिर रात को उधर से लेट आ गए थे हम लोग, तो फिर उसके बाद भी ऐसे ही सो गए थे उस पर ही। तो क्या हुआ था कि फिर आज ना अद्विक काफ़ी देर तक सो रहा था, अभी तक तो अद्विक सो ही रहा था, तो इसी वजह से बेडरूम ही सिर्फ क्लीन करना बाकी था, बाकी सब क्लीन हो गया था। तो बाकी घर की क्लीनिंग हो गई थी, सिर्फ बेडरूम ही अभी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अद्विक अभी सोया था बेड पे, और इसी वजह से बेडशीट भी बिछाना नहीं हो रहा था। तो अभी मैं बेडशीट बिछा दूंगी। और ना ये वाली बेडशीट अद्विक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसी यही वाली बेडशीट दोबारा बिछा रही हूँ, क्योंकि इस पर ना कार्टून वगैरह है, तो इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस वजह से मैंने दूसरी नहीं बिछाई थी, तो इसी का वेट कर रही थी सूखने का, तो ये सूखी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने दूसरी बिछाई नहीं थी। अब ये सूख गई है, तो मैं सोचा कि यही बिछा देती हूँ। और ये ना थोड़ा सा मुश्किल जाता है मुझे, तो इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ, ये कंघी से फंसा देती हूँ अंदर। तो इससे ना क्या होता है कि बिल्कुल निकलती नहीं है, बिल्कुल टाइट बैठती है, मतलब अंदर फिट रहती है। तो इसी वजह से मैं इसी तरह से कंघी से फंसा देती हूँ। और नहीं तो फिर अगर कंघी से नहीं फंसा हो ना, तो थोड़ा सा ये गद्दा जो है वो फिटो फिट है, उसमें मतलब फिक्स हो गया है, तो ये जल्दी से नहीं निकलता, बहुत परेशानी होती है। तो इसी वजह से मुझे ना बेडशीट चेंज करने की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये गद्दा ही मुझसे उठाया नहीं जाता है। तो फाइनली बेडशीट चेंज हो गई है, और यहाँ पर साइड टेबल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अद्विक की दवाइयाँ वगैरह रखी थी, तो अगर रात को हम लोग दवाई देते हैं तो वो गिर जाती है उस पर, तो थोड़ा सा वो चिपचिपा हो गया था टेबल, तो इसी वजह से मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। और अभी टेबल भी क्लीन हो गया है, तो इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी, मतलब जो डस्ट वगैरह गिरी है नीचे, तो वो मैं क्लीन कर लूँगी, तो झाड़ू वगैरह मार लूँगी, और उसके बाद पोछा मारूँगी, और उसके बाद बाकी सारे काम करने के लिए लग जाऊँगी। और हाँ गाइस, किसी ने पूछा था मुझसे कि अब मैं क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करती हूँ, मतलब कौन से हैंकीज़, कौन से क्लॉथ किसके लिए यूज़ करती हूँ। तो ये वाले जो छोटे छोटे हैंकीज़ है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है, तो ये ना मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मतलब एक ही कलर के दो दो, तो इसी वजह से मैं ये वाले गैस के स्लैब के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, गैस के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, और फ्रिज क्लीन करने के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। ये वाले जो बड़े नैपकिन मैंने लाए हैं अभी, तो ये मैं हाथ वगैरह पोछने के लिए यूज़ करती हूँ, और बर्तन जो
हम लोग पोंछ के रखते हैं तो उसके लिए यूज़ करती हूँ, और बाकी चीज़ों के लिए ऐसे ही अपना माइक्रोवेव वगैरह क्लीन करने के लिए इस तरह से ये वाले नैपकिन्स यूज़ करती हूँ। यावड़ा कैंडी किस किस को पसंद आती है मुझे जरूर बताना। ये ना पतंजलि की है और मुझे ना इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, मैं हमेशा मतलब यहाँ पर ही फ्रिज पे रहती है ये, और हमेशा मैं मेरे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये पैकेट रहता होगा 8 दिन। 8 दिन में मैं ये खत्म कर देती हूँ अकेली पैकेट। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खाना भी चाहिए, इससे स्किन भी ग्लो करती है और काफी सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, तो मेरा तो चालू ही रहता है। तो चलिए अभी खाना बना रही हूँ, फिर रोटियाँ बनानी है। सब्जी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, रोटियाँ बनानी है सब्जी, इनको पूछनी पड़ेगी। एक्चुअली यहाँ पर रोटियाँ बना ले रही हूँ और सब्जी इन्होंने बोली थी मिक्स वेज बनाने के लिए, तो बाद में मैंने मिक्स वेज बना ली थी, तो पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आपकी रोटी कच्ची रहती है, तो कच्ची नहीं डियर, वो कैमरा में ऐसे दिखती है क्योंकि मैं ऊपर से तेल लगाती हूँ। आपको पता ही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको मैंने डिटेल में रोटियाँ बताई है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और मराठी ऐसी रोटी बनाते हैं ज़्यादातर, कुछ ही मराठी ऐसे हैं कि जो फुलके खाना पसंद करते हैं, बट ज़्यादातर मराठी ऐसे ही तेल लगा के रोटी बनाते हैं, और मैं ना ऊपर से भी तेल लगाती हूँ, मतलब कुछ कुछ ना सिर्फ अंदर से तेल लगाते हैं और बस, बट मैं ऊपर से भी तेल लगाती हूँ क्योंकि ये जो तेल लगाई हुई रोटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब बहुत देर तक अच्छी ही रहती है, तो इसी वजह से मैं ऊपर से भी तेल लगाती हूँ उसे। इसी वजह से आपको जहाँ पर तेल लगाया हुआ दिखता है तो वहाँ पर ना आपको लगता है कि ये कच्ची रोटी है, बट वो कच्ची नहीं रहती है, वो उसे तेल लगाया होता है और वो कैमरा में वैसे दिखती है। सो गाइज, खाना बन गया है और अब जाके हुई हूँ फ्री, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मेरी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। आज जो मैंने भाई की शादी के लिए शॉपिंग की है वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो साड़ियाँ हैं मैंने ली है वो दिखाइए करके, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज आई है वो पॉलिशिंग करके साड़ियाँ तो आपको दिखाई देती हूँ। जो सबसे पहले साड़ी ली थी आपको पता है, काफ़ी दिन पहले मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया था, तो वो साड़ी है ये। तो उस टाइम मैंने आपके साथ सिर्फ ब्लाउज शेयर किया था, पिंक वाला ब्लाउज प्लेन वाला, तो उसकी साड़ी है ये, और ये है साड़ी कांचीपुरम। तो ये साड़ी कुछ इस तरह से है, कांचीपुरम साड़ी है, और इसका ओवरऑल लुक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतना रिच लुक आता है इसको पहनने से, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है, और मुझे मतलब स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी। और इसका जो पल्लू है, एक मिनट, पूरी भरी हुई साड़ी है ये, इस तरह से पूरा वर्क है इसमें, और इसका जो पल्ला है वो है इसका इस तरह से, ये इसका पल्ला है, और मैं ना इसके फोल्ड खोलना नहीं चाहती यार, क्योंकि पॉलिशिंग की हुई है साड़ी, तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि इसकी फोल्ड खराब हो, तो इसी वजह से मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। फिर भी आप देख सकते हो पल्ला इसका, हाँ इसका पल्ला कुछ इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस तरह की साड़ी ना बहुत ज़्यादा महंगी आती है एक्चुअली, कांचीपुरम आपको पता ही होगा अगर आप पहनते हो, या आपने अगर देखी है शॉप में तो आपको पता ही होगा कांचीपुरम साड़ीज़ कितनी महंगी आती है। तो ये ना, या एक्चुअली हमारे यहाँ पे मतलब अमरावती सिटी में, अगर आप अमरावती से हो या अमरावती के आजू बाजू से हो तो आपको पता ही होगा अमरावती सिटी ये शॉपिंग के लिए फेमस है, तो यहाँ पर ना थोड़ी साड़ियाँ जो है सस्ती मिल जाती है, तो इसी वजह से ये जो साड़ी है मुझे मिली है
6000 एंड समथिंग में, मतलब 6500 ही समझ लो, तो उतने में मिली है ये साड़ी। और आप लोग बोल रहे थे प्राइस बताने के लिए, तो इसी वजह से मैंने बता दी आपको प्राइस, क्योंकि आप लोग कमेंट में पूछोगे फिर प्राइस, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आपको प्राइस बता देती हूँ पहले ही कि कितने प्राइस के कौन सी साड़ी है। तो ये है वो साड़ी, और ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। तो आप लोग एक्चुअली आप लोग ही अभी मुझे हेल्प करोगे कि कौन सी साड़ी मैं किस दिन पहनूँ और किसके ऊपर कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, तो ये सारा चीज़ आप ही मुझे सजेस्ट करोगे, अब कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, तो आप ही हेल्प कर देना मेरी अब। तो ये है फर्स्ट साड़ी। फिर सेकेंड साड़ी मैंने ली है ये, तो ये ना उस दिन ली थी, दो तीन दिन पहले मैंने ब्लॉग में शेयर की थी आपके साथ, उसका जो वो पिंक कलर का ब्लाउज शेयर किया था डिजाइन वाला, मतलब तो वो साड़ी है ये। ये भी सेम ही साड़ी है एक्चुअली, मतलब उसी की तरह है, बट ये साड़ी ना थोड़ी सी सस्ती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ उससे, ये है वो साड़ी। और इसका जो नीचे का पोर्शन है वो इतने बड़े बड़े बॉर्डर है इसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बॉर्डर है, और आप देख सकते हो कि वाली साड़ी कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर की बॉर्डर और नीचे की बॉर्डर ये है। और इसका पल्ला मैं आपको दिखाती हूँ, पिंक कलर का इसका पल्ला है एक्चुअली, ये भी पॉलिशिंग होके आई है तो थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे खोलने में, बट कोई बात नहीं आपके लिए तो वो भी चलेगा। और ये है इसका पल्ला, जैसे कि इसका ब्लाउज है इसी टाइप का इसका ब्लाउज है, और आप को क्लोज करके पता नहीं आपको डिज़ाइन इसमें दिख रही है या नहीं, हाँ दिख रही है। तो इस तरह से इसका पल्ला है पिंक कलर का, और ओवरऑल साड़ी ये कलर की है, मतलब स्काई ब्लू कलर की साड़ी है ये। और एक्चुअली इसकी जो प्राइस है वो है 2200 रुपीज़, मतलब इसमें काफ़ी सारी वेराइटी आती है, शायद सस्ते में तो नहीं होंगी, इससे ज़्यादा में ही होंगी, बट ये मैंने 2200 में ली है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग। ये इस तरह से ये वाली साड़ी है, और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, मुझे पसंद है इसी वजह से मैंने ली होगी। बट आप लोग बताना मुझे, हमारे यहाँ पे होता है मतलब जिस दिन दूल्हा वो घोड़ी पे चढ़ता है उस दिन पहनी जाती है साड़ी, या साड़ी ही पहनूंगी मैं तो उस दिन कौन सी साड़ी पहनूँ, शादी में कौन सी साड़ी पहनूँ। और लाचा तो आपको दिखाना भूल गई, लाचा दिखाती हूँ आपको। लाचा मैंने लिया है रिसेप्शन के लिए, तो एक्चुअली मैं लाचा रिसेप्शन में पहनने वाली हूँ, तो ये है वो लाचा, उस दिन मैंने आपको दिखाया था। तो ये है गोल्डन कलर का, क्रीम कलर का लाचा है पूरा, ओपन करने में ही टाइम लगता है। तो ये वाला लाचा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था देखने से, तो इसी वजह से एक मिनट, ये भी पॉलिशिंग होके आया है, बट फिर भी मैं आपको ये तो ओपन करे बिना आपको पता चलेगा नहीं, ये देखिए इस तरह से है ये लाचा, फुल लाचा, और घेरा भी काफी ज्यादा अच्छा है इसका, आप देख सकते हो। और इसकी डिजाइन मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसकी डिजाइन, मतलब ये देखिए आप, फुल इस तरह से गोल्डन वर्क है इस पे, और काफी ज्यादा घेरा है, देख सकते हो घेर काफी ज्यादा है इसका, मतलब ये मुझे इसी वजह से पसंद आया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा था इसी वजह से मैंने ये बदल लिया है। एक मिनट मैं आपको दूर से दिखा दूँ, फिर भी नहीं दिख रहा है आपको, अब देखिए तो इस तरह से है ये वाला लहंगा। ये ना मैंने लिया है 3500 में, मतलब 3500 में, तो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे। और इस पे जो चुन्नी है वो आई है इस तरह की चुन्नी आई है इसका, एक्चुअली मुझे फोल्ड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो इस तरह की चुन्नी आई है इस पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है चुन्नी भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी है चुन्नी, कितनी ज़्यादा लंबी है इसकी, तो आप मतलब लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी चुन्नी की, तो चुन्नी भी ज़रूर बताना कैसी है।
और इसके जो ब्लाउज है वो तो आपने उस ब्लॉग में देख ही लिया है। ब्लाउज अभी स्टिच करने के लिए डालना पड़ेगा मुझे बुटीक में, तो ब्लाउज पता नहीं अभी ब्लाउज का भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से स्टिच करना है। और भी मैंने शॉपिंग की है, एक्चुअली मैंने ज्वेलरी की भी शॉपिंग की है और वो भी हॉल जल्दी ही आने वाला है आप लोगों के लिए। और मैंने साड़ियाँ भी मंगाई है अमेजोन से, तो साड़ियों का हॉल भी जल्दी ही आने वाला है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखना और उसमें से भी ज़रूर बताना कि कौन सी साड़ी पसंद है आपको और कौन सी साड़ी मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो भी हॉल मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, अमेजोन साड़ी वाला हॉल, वेडिंग साड़ी वाला, क्योंकि वेडिंग के लिए मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है साड़ियाँ, मतलब आप लोग देखोगे ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ियाँ मुझे कैसे मिली। तो वो हॉल ज़रूर देखना, मतलब आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और मुझे भी ज़रूर बता देना, मेरी भी हेल्प कर देना। तो और दिखाती हूँ मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़, तो वो है ये नेकलेस। ये नेकलेस मुझे ज़रूर बताना कि कौन से साड़ी पर अच्छा लगेगा, मतलब कौन से साड़ी पर मैं पहनूँ। तो वो है, इसका पिक आपको साइड में दिख जाएगा, साइड में मैं लगा दूंगी कि ये किस तरह से दिखता है। एक्चुअली मैं ब्लैक अगर पहनती ना आज तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता, मतलब ब्लैक के ऊपर आपको डिज़ाइन बराबर से पता चलती। बट कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको पहन के। तो गाइज मैंने पहन लिया है और आप देख सकते हो ये वाला नेकलेस सेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज, मतलब क्वालिटी वाइज तो इतना ज़्यादा अच्छा है। और इसकी ईयरिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ, और इस तरह से पैक होके आया था ये। और एक्चुअली ये ना मुझे सेंड किया है एक इंस्टाग्राम स्टोर ने, भैरवी कलेक्शन ने, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। और इसकी जो प्राइस है वो है 750 रुपीज़, मतलब उन्होंने मुझे जो प्राइस बताई इसकी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि इस तरह के सेट मुझे लेने ही थे। एक्चुअली उन्होंने जब मुझे बोला कि मैम मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैं इस तरह के सेट ढूंढ रही थी अमेजोन पे, और मुझे लगा कि अमेजोन से लेने से अच्छा है कि मैं मतलब मार्केट में जाऊँ, मार्केट में सर्च करूँ इस तरह के सेट अगर मुझे मिल जाए तो मेरे साड़ी पर, क्योंकि कांचीपुरम जो साड़ी है वो साउथ की मतलब साड़ी है और साउथ के जो सेट है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये उस टाइप के सेट है जैसे मुझे चाहिए थे वो साड़ी पे, तो ये वाला सेट उन्होंने जब मुझे बोला कि आपको मैं सेंड करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसकी इयररिंग्स आप देख लो, एक मिनट, पता नहीं कैमरा कैप्चर क्यों नहीं। हाँ, इयररिंग्स तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं, आपको दिखा देती हूँ, लगा के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। कौन सी साड़ी पे मैं ये वाला नेकलेस सेट पहनूं तो ये मुझे ज़रूर बताना, और ये ना पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा, मतलब मैं साड़ी जो पहनूंगी कांचीपुरम वो साड़ी और उस पर ये वाला लुक भरा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो इससे, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो कॉस्ट है सबसे मेन बात होती है कॉस्ट और क्वालिटी, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, मतलब भैरवी कलेक्शन में आपको साड़ियाँ भी मिल जाएगी और ज्वेलरी भी मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से अगर आप परचेस करते हो तो काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी आपको। अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे इस टाइप के सेट तो आपको पता चल जाएगा इसकी प्राइस क्या है। एक्चुअली इसकी जब प्राइस उन्होंने मुझे बताई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी उस टाइम कि इतने कम प्राइस में, तो वो बोल रही थी हाँ मैम हम लोग डायरेक्ट डील करते हैं, इसी वजह से हम लोगों को इस कम में पड़ता है और हम लोग कम में देते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपके भी हेल्प हो जाए, मतलब आपको अगर परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हो। इसका जो लिंक है मतलब भैरवी कलेक्शन का, थैंक यू मोनिका, मतलब आपने इतना अच्छा प्यारा सेट मुझे सेंड किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उनका जो लिंक है भैरवी कलेक्शन का वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उनका दो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है, मतलब कोई भी चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, दो व्हाट्सएप ग्रुप है और एक इंस्टाग्राम हैंडल है तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, तो उस पर आप चेक कर सकते हो कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, आप देख लेना, और आपको अगर परचेस करना हो तो आप कभी पछताओगे नहीं, मतलब इतने कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और हाँ, थैंक यू मोनिका वंस अगेन कि इतना प्यारा सेट मुझे सेंड करने के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपने पूछा था मुझे कि कैसा लगा मैम, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला सेट। एक्चुअली मैं ऐसे ही सेट सर्च कर रही थी और आपने मुझे सेंड कर दिया, तो चलिए फिर मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। ये थी मेरी शॉपिंग, और मुझे प्लीज़ हेल्प कर देना कौन सा ज्वेलरी किस पे पहनूँ, और एक ज्वेलरी हॉल भी आने वाला है। एक्चुअली मैंने ज्वेलरी भी ऑर्डर की है काफ़ी सारी, तो वो ज्वेलरी हॉल भी आपके लिए आने वाला है, तो ज्वेलरी हॉल का भी वेट करना, अमेजोन सारी हॉल का भी वेट करना। अब आप फुल सेट देख सकते हो, अब इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगे मुझे झुमका इयररिंग्स,
और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी मुझे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कॉपर में है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सेट। आपको परचेस करना है तो डेफिनेटली परचेस करिएगा और एक बार तो ज़रूर चेक करिएगा, मतलब जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको एक बार चेक करिएगा, क्योंकि आपको पता चले कि प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई भी वेबसाइट से तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होगी वहाँ की, और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है चीज़ें, आप डेफिनेटली परचेस करने वाले हो, तो वजह से आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और आई होप मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी और मेरी हेल्प ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।